राहुल, आपके अपने YouTube चैनल राहुल ओडा मैथमेटिक्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम कर रहे हैं मिक्सर एंड एलिगेशन। दोस्तों, इसमें हमने जो दो भाग कंप्लीट कर लिए हैं और दो भाग के अंदर हमने जो 35 क्वेश्चन जो कंप्लीट किए थे, आज होगा हमारा भाग तीसरा और क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 36। दोस्तों, क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 36 क्या है और आज का जो टाइप है वो क्या है। हमारा टाइप है जब तीसरे मिश्रण में अवयवों का अनुपात ज्ञात करना हो। क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन से समझेंगे। 36 क्वेश्चन, ए और बी सोने तथा तांबे के दो मिश्र धातु हैं जो धातुओं को क्रमशः 7:2 तथा 7:11 के अनुपात में मिश्रित करके बनाए जाते हैं। कौन कौन है? ए और बी। ए और बी में तांबे और सोने और तांबा, सोना ठीक है और तांबा, इनका रेशो दे रखा है ए और बी का अलग अलग कितना कितना, 7:2 और दूसरा दिया है 7:11। बी में दिया है 7:11 ठीक है। सोने और तांबे का अनुपात दे रखा है ए और बी का दोनों का अलग अलग। यदि एक तीसरा मिश्र धातु सी बनाने के लिए उन मिश्र धातुओं की बराबर मात्रा पिघलाई जाए, यानी कौन कौन सी धातु ए और बी की, इनकी दोनों की बराबर मात्रा पिघलाई जाए ठीक है। तो यहाँ से देखना 7 और 2 टोटल कितना हो जाएगा 9 और 7 और 11 यहाँ से कितना होगा टोटल 18, यानी कि बी टोटल कितना 18 मिश्रण और ये कितना 9। इस 9 में 7 सोना 2 तांबा, इसी तरीके 18 में इसमें 7 क्या है सोना है और 11 क्या है तांबा है, लेकिन इसने बोला इन दोनों की बराबर मात्रा पिघलानी है। क्या ये देखना दोनों बराबर मात्रा है ए और बी की, क्या दोनों की बराबर मात्रा है? नहीं है भाई, ये 9 ये 18 है, तो इन दोनों को आपस में क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो देखना इस 9 को क्या बनाएंगे 18, इस 9 को 18 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से। अगर 2 से यहाँ किया तो 2 से यहाँ भी कर दो, 2 से क्या कर दो यहाँ भी। अब ये भी 18 बन गया, ये भी 18 बन गया, यानी कि दोनों की जो मात्रा है वो क्या होगी, बराबर होगी। अब इन दोनों को भाई मिला दो ए और बी को, इन दोनों को मिलाएंगे मिश्रण करेंगे तो सोने को सोने में ऐड करेंगे, तांबे को तांबे में। तो सोना कितना बन गया 14 और ये 7 कितना हो जाएगा 21। इसी तरीके से ये 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 और 11 कितना हो जाएगा 15, यानी कि 21:15। इन दोनों को ए और बी को दोनों को मिलाने के बाद नया जो आया मिश्रण कितना है 21:15। कर सकते हैं, कर दो 3 7 21 और 3 5 15, यानी कि 7:5। 7:5 क्या निकला, सोना निकला 7 और तांबा कितना निकला 5, यानी कि इसका आंसर होगा कौन सा, सी। यही पूछा था इसने कि उन मिश्र धातुओं की बराबर मात्रा पिलाई जाए तो सी में सोने तथा तांबे का अनुपात कितना होगा, तो कितना होगा 7:5। अब देखना आप क्वेश्चन नंबर 37। 20 लीटर और 36 लीटर के दो मिश्रणों में क्या क्या दे रखा है, स्प्रिट है और क्या है भाई जल है ठीक है। अब इसी तरीके से इसने जो है 20 लीटर और 36 लीटर वाले मिश्रणों को आपस में मिलाया है और पूछा दोनों मिश्रणों को इकट्ठा मिला दिया गया नए मिश्रण में स्प्रिट और जल का अनुपात कितना हुआ। तो मैं तुमसे पूछूँ भाई, इस 20 लीटर वाले मिश्रण में कितना कितना अनुपात है स्प्रिट और जल का, 3:7। तुमसे पूछ यहाँ पे बताना स्प्रिट कितना होगा, स्प्रिट कितना होगा और जल कितना होगा, दोनों का अलग अलग ठीक है। स्प्रिट और जल पूछ रहा हूँ, किसमें 20 लीटर में स्प्रिट कितना जल कितना, तो बताना कितना अनुपात है 3:7। तो स्प्रिट कितना होगा भाई 3 है और किसका 10 में से, 3:7 यानी कि टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 में से 3 वाह क्या है स्प्रिट है, तो 20 का 3/10 यहाँ से कर दें 10 × 20 यानी कि 6 लीटर क्या है स्प्रिट है। इसी तरीके से जल निकालें 3:7 है तो कितना हो जाएगा 20 का क्या निकालना है 7/10, 10 × 20 यानी कि 7 × 14 लीटर ठीक है। अब 36 लीटर मिश्रण में अनुपात क्या क्या दे रखा है 7:5, तो बताना 36 में स्प्रिट कितना हो जाएगा 7/12, क्योंकि भाई यही तो चीज़ है 7:5, टोटल मिश्रण कितना 12, इस 12 में से 7 क्या है स्प्रिट और 5 क्या है जल, तो 7/12 36 का करेंगे 12 × 36 और 3 × 7 = 21 लीटर क्या है स्प्रिट। इसी तरीके से 36 × 5/12 यहाँ से क्या निकलेगा जल 5/12, 7 और 5 = 12, नीचे और 5 ऊपर 12 × 36 यानी कि 3 × 5 करें कितना 15 लीटर। यहाँ से क्या चीज़ समझ आई भाई, यहाँ से मालूम पड़ गया कि 20 लीटर में 6 लीटर ये स्प्रिट है 14 लीटर जल और 36 लीटर में 21 लीटर क्या है स्प्रिट है और 15 लीटर क्या है
जल है। अब इन दोनों को मिला दिया, तो स्प्रिट को स्प्रिट में ऐड कर देंगे और जल को जल में, तो 21 और 6 कितना हो जाएगा 27, अनुपात जल कितना 14 और 15 कितना 29। अगर ये कट सकते काट दो, नहीं तो ऐसे छोड़ दो, कटेंगे नहीं, 27 और 29 ही रहेगा। तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगर आपको यहाँ दिक्कत होती है कि 6 लीटर कैसे निकाला, 14 लीटर कैसे निकाला, 21 कैसे निकाला, 15 कैसे निकाला, तो इससे परेशान नहीं होना भाई। इसको क्या कर सकते हैं, देखो 3:7 दे रखा है, तो 3 और 7 जोड़ के कितना हो जाएगा 10, 10 की वैल्यू कितनी बन जाएगी 20, 1 की वैल्यू वहाँ से निकालेंगे 2, फिर वहाँ से निकालेंगे 2 3 6 और 2 7 14, तो यहाँ से 1 की वैल्यू भी निकाल के आप कर सकते हैं। ये तरीका मैं पहले आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन नंबर 38, एक प्रकार के द्रव में 20% क्या है, जल है, और दूसरे प्रकार के द्रव में कितना है, 35% जल है। तो देखना यहाँ से, पहले प्रकार का जो द्रव है, पहला द्रव और दूसरा वाला द्रव, इसमें जो जल दे रखा है पहले वाले में वो दे रखा है कितना 20%, और दूसरे वाले में दे रखा है 35%, ठीक है। यहाँ से एक चीज़ बताना, पहले वाले द्रव में अगर जल जो है 20% है, तो अन्य चीज़ इसने बताई नहीं क्या है, तो मैं इसे अन्य ही लिख देता हूँ, तो बताना वो अन्य वाली चीज़ कितनी होगी, 80% होगी भाई, कितनी 80। इसी तरीके से यहाँ थोड़ा से नीचे लिखता हूँ उसे, 35% है, तो शेष जो अन्य चीज़ है वो कितनी होगी, 65%। ये समझ आ रहा है, दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए 100, 100 में से 20 है तो 80 हो जाएगा। इसी तरीके से 100 में 35 और शेष बचेगा कितना 65। यहाँ से रेशो बना लो, 20 एकम 20, 20 चौके 80, 5 7 35, 5 से कितना ये 13। यानी क्वेश्चन के अंदर परसेंट दे रखा था, मैंने उससे क्या निकाल लिया, रेशो निकाल लिया, अनुपात निकाल दिया। यानी कि पहले वाले द्रव में जल और जो अन्य चीज़ है उसका अनुपात है 1:4 और दूसरे वाले में 7:13। अब ये कहता है कि पहले वाला जो द्रव है आपका, फर्स्ट और सेकंड, क्या कह रहा है, पहले वाले द्रव के कितने 10 अंश, पहले वाले के 10 अंश और दूसरे वाले के 4 अंश मिलाकर, पहले वाले के 10 अंश और दूसरे वाले के 4 अंश मिलाकर एक नया मिश्रण तैयार होता है, और उस नए मिश्रण पूछता है कि उस गिलास के नए मिश्रण में जल कितना होगा, प्रतिशत में पूछा है। तो देखना इसका कहने का मतलब क्या है, इन दोनों का आपस में अनुपात बना लो, 2 5 10 और 2 2 4, अगर इसे 10:4 से करोगे तब भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से हमने निकाला पहले द्रव और दूसरे द्रव का आया 5:2, टोटल मिश्रण का, पहले द्रव में जो मिश्रण है वो 5 और दूसरे द्रव में कितना 2, इनका पहले और दूसरे का अनुपात यहाँ से निकल के आया 5:2। इसका कहने का मतलब यही है कि इन दोनों के पहले द्रव और दूसरे द्रव का जो अनुपात है मिश्रण का वो कितना होना चाहिए, 5:2। तो देखना पहले वाला मिश्रण कितना है 4 और 1 5, दूसरा कितना 7 और 13 यानी कि 20, और इसने बताया कितना होना चाहिए 5:2। तो यहाँ से तो भाई 5:2 है नहीं, यहाँ से तो 5:2 है नहीं, कितना 5:20 है। तो इसको आपको जो 5:2 बनाना है, कैसे बनाएंगे, कभी भी आपको इस तरीके से रेशो बनाना हो तो यहाँ सबसे पहले इन दोनों को आपस में आप क्या कर लो, बराबर कर लो। बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 चौके 20 और ये भी 20। तो अब देखना ये दोनों हो गए क्या बराबर, अगर आपने यहाँ 4 से किया है तो 4 से यहाँ भी करो भाई, ठीक है, और 4 से यहाँ भी करो, अब ये दोनों बराबर हो गए। लेकिन मैंने बताया पहले और दूसरे अनुपात जो बनना चाहिए क्या बनना चाहिए, 5:2, तो 5:2, तो 5 यहाँ कर दो पहले वाले में और दूसरे वाले में कितना 2, 2 यहाँ किया है तो 2 यहाँ भी करो और 2 यहाँ भी करो, यहाँ कितना चाहिए 5, तो यहाँ भी 5 करो और यहाँ भी क्या करो 5। अब देखना ये कितना बन जाएगा, 5 चौके कितना बन जाएगा, ये 20 बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा 5 चौके 20, 20 चौके 80, ये कितना बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा भाई 14, और ये कितना बन जाएगा 26। अब इन दोनों को मिला दो, इन दोनों को मिला दो, तो जल को जल में ऐड करेंगे, 20 और 14 कितना हो जाएगा 34, और अन्य वाली चीज़ 80 और 26 कितनी हो जाएगी 106। अब इसने यही पूछा कि जल कितना प्रतिशत है, तो जल बताना कितना है 34, कितना है 34, टोटल मिश्रण कितना है 34 और 106, कितना हो जाएगा 140। यानी कि 140 में से 34 क्या है जल, इंटू 100 क्यों, क्योंकि प्रतिशत में चाहिए, ठीक है। 2 से काट देना या फिर ये 0 से 0 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा ये 7 बार और 2 से कट जाएगा ये 17, और 17 10 गुणा करेंगे 170/7, और 7 का जब भाग लगाओगे तो आएगा 24/7%, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो परेशान नहीं होना इससे।
यानी कि आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन नंबर 39 क्या है। दो मिश्र धातु ए तथा बी में क्या क्या दे रखा है, जस्ता तथा टिन का अनुपात दे रखा है, जस्ता और टिन। ठीक है, कितना कितना है लिख लो भाई, ए और बी है। ठीक है, ए और बी, इसमें जस्ता और आपका दूसरा दे रखा है टिन, इनका अनुपात दे रखा है इसने 5:2 और दूसरा दे रखा है इसने 3:4। ठीक है, अब आगे इसने बोला इन मिश्र धातुओं में से ए का 7 किलोग्राम, ए कितना 7 किलोग्राम, और बी कहता है बी का कितना 21 किलोग्राम, मिलाकर एक नई मिश्र धातु बनाई गई है, तदनुसार इस नई मिश्र धातु में जस्ता तथा टिन का अनुपात कितना हो जाएगा। इसका कहने का मतलब है ए और बी का जो अनुपात है, यहाँ से बना दो भाई, रेशो बना लो इसका भी, तो 7 × 7 और 7 × 21, यानी ए और बी का जो अनुपात होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 1:3। तो देखना ए और बी का अनुपात क्या 1:3 है, यहाँ से देखें 5 × 2 कितना 7 और 4 × 3 कितना 7, तो यहाँ से अगर रेशो देखें तो क्या है 7 और 7 है, तो यानी 1:1 आएगा, लेकिन मुझे बनाना है 1:3। तो देखना ये दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं, पहले वाला क्या बनाना 1, तो यहाँ से 1 का मल्टीप्लाई कर दो, और दूसरे वाले में क्या है 3, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखना 7 से तो 7 कट ही जाएगा, और रेशियो का बन जाएगा 1 और रेशियो 3। अब इस 1 का यहाँ करेंगे गुणा, तो कोई चेंज तो होगा नहीं, ये तो ऐसा कैसे रहेगा, इस 3 का यहाँ कर दो भाई, और इस 3 का यहाँ भी कर दो, ये कितना बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा 3 × 3 = 9, और 3 का 4 गुणा करेंगे कितना 12 है। अब इस दोनों धातु को मिला दो भाई, ए और बी को दोनों को मिला दो, तो जस्ता और जस्ता जोड़ेंगे 9 और 5 = 14, और टिन को जोड़ेंगे 2 और 12 कितना 14, इन दोनों का अनुपात निकाल दो कितना हो जाएगा 14 से 14 कट जाएगा, यानी कि 1:1, और यही हो जाएगा आपका आंसर, यानी कि आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब देखना विविध प्रश्न। ठीक है, तो इसमें भाई सभी क्वेश्चन मिक्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, एक मिश्रण में 80% अम्ल है और शेष जल है। ठीक है, शेष जल तो बताना जल कितना बचेगा, अगर 80% अम्ल है तो जल कितना होगा भाई 20%। ठीक है, तो लिख लेते हैं अम्ल और जल, तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसे अच्छी तरीके से समझना। अम्ल कितना दिया इसने 80%, तो शेष जल कितना बच जाएगा 20%, यहाँ से रेशो बना दो 20 × 80 और 20 × 1, यहाँ से रेशो निकलेगा 4:1 किसका, अम्ल और जल का। आगे इसने बोला अम्ल तथा जल का अनुपात 4:3 करने के लिए मिश्रण का कितना भाग निकाला जाए और जल की उतनी ही मात्रा मिला दी जाए। इसने बोला जो भी तुम्हारा था इसमें से मिश्रण का कितना भाग निकाला जाए और उसकी जगह पर क्या डाल दें, जल डाल दें, जिससे तुम्हारा अनुपात कितना हो जाएगा नया 4:3। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, अगर मिश्रण में से मिश्रण को निकालते हैं तो उसका रेशियो नहीं बदलता। रेशियो कब बदलेगा, जब मिश्रण के अंदर दूध डालें या फिर पानी डालें, कुछ भी डालते हैं तब रेशियो बदलेगा, यानी कि मिश्रण में से जब मिश्रण निकालते हैं तो उसका रेशियो नहीं बदलता, क्या बदलता है उसकी क्वांटिटी यानी कि मात्रा बदल जाती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, ये जो बता रहा हूँ एक आगे चल के आपके कई क्वेश्चनों में काम आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से देखना ये 4:1 है, इसमें से मैंने कुछ मिश्रण निकाल लिया, मुझे नहीं पता कितना निकाला, कुछ मिश्रण निकाल लिया, यहाँ से मैंने कुछ मिश्रण निकाल लिया, कुछ मिश्रण निकाला उसने बोला है, और कुछ मिश्रण निकालने के बाद मैंने क्या बताया, मिश्रण निकालने के बाद रेशो तुम्हारा वही रहेगा जो पहले था, यानी रेशो कितना 4:1, यानी कि मिश्रण निकालने के बाद रेशो क्या रहेगा 4:1। लेकिन अब इसने बोला जितना मिश्रण निकाला उसकी जगह उतना ही क्या भर दिया, जल डाल दिया, और उसके बाद जो तुम्हारा नया रेशो बन गया वो बन गया 4:3। ध्यान समझना इसे, तो अब यहाँ देखना ये 4:3 बन गया, पहले कितना था 4:1, क्या बताया मैंने मिश्रण निकालने से रेशियो नहीं बदलेगा, क्वांटिटी बदल जाएगी यानी कि मात्रा आपकी बदल जाएगी। तो देखना यहाँ से ये तो नहीं बता सकते कि मिश्रण कितना निकाला, लेकिन ये जरूर बता सकते हैं कि देखना ये पानी पहले कितना था, ये जल कितना था 1, बाद में कितना हो गया 3, तो ये जरूर बता सकते हैं कि जल कितना बढ़ गया या जल कितना मिला दिया, पहले 1 था बाद में 3, तो कितना बढ़ गया जल 2 बढ़ गया। अगर 2 जल बढ़ा या 2 जल मिलाया है
इसका कहने का मतलब क्या है भाई, अगर दो जल मिलाया है तो मिश्रण भी दो ही निकाला होगा, क्योंकि क्वेश्चन बताया जितना मिश्रण निकाला है उतना ही जल भरा है। तो जल कितना मिलाया, दो, यानी कि मिश्रण भी कितना निकाला था, दो निकाला था। मिश्रण कितना निकाला था, दो निकाला था, ठीक है। मिश्रण कितना निकाला, दो निकाला, और इस मिश्रण की जगह दो क्या भर दिया, जल भर दिया यानी पानी भर दिया। देखना टोटल मिश्रण कितना भाई, चार और तीन सात, यानी कि सात में से दो क्या निकाला था, पानी निकाला, ओ सॉरी मिश्रण निकाला था, ठीक है। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर भाई, यही पूछ रहा है कि जल की उतनी मात्रा मिला दिया। इसने पूछा था, क्या पूछा था, मिश्रण का कितना भाग निकाला जाए। तो मिश्रण कितना निकाला था भाई, जो पानी निकाला था उसी के बराबर मिश्रण निकाला था। पानी कितना बड़ा है, दो, तो मिश्रण भी कितना निकाला, दो निकाला था, किस में से, सात में से, ठीक है। तो ये आपका कौन सा, सेकंड ऑप्शन यानी कि सॉरी डी ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। ये अभी अगर क्लियर नहीं हुआ है तो आगे और भी क्वेश्चन आने वाले हैं, वहाँ से आपका ये जो है क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखना 41 यानी 41 क्या कहता है, 126 रुपये प्रति किलोग्राम और 153 रुपये प्रति किलोग्राम चाय को एक तीसरी किस्म में 1:1:2 के अनुपात में मिलाया गया है, 126 और 135, ठीक है। देखना भाई कैसे करेंगे, 126 रुपये और 135 रुपये, दो तरह के हैं, और तीसरी किस्म में इसका अनुपात बताया है, 1:1:2। यदि मिश्रण 153 रुपये प्रति किलोग्राम हो तो तीसरी किस्म की कीमत प्रति किलोग्राम कहते हैं, तो तीसरे के पता नहीं तो मैंने क्या मान लिया, 100 रुपये प्रति किलोग्राम। तो देखना ये तुम्हारी क्या है, मात्रा है, और ये क्या आपकी कीमत है पर केजी की। मैंने मात्रा मान ली 1 किलो है, अनुपात है मैंने एक ही मान लिया, और 126 का 1 किलो है, तो 1 किलो ये कितने हो जाएगा, 126 का, इसी तरह मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों का। इसी तरीके से इसमें 135 से एक गुणा करेंगे, कितना, 135 प्लस कर दो, सॉरी, ठीक है। अब देखना 100 रुपये के 1 किलो, तो 2 किलो कितने के, 2x के, और टोटल जो पूरा मिश्रण है उसका जो रेट है वो कितना है, 153 रुपये पर केजी। 1 किलो 153 का, लेकिन मात्रा टोटल कितनी, 1 और 1 2 और 2 4, तो 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जोड़ दो भाई, 6 और 5 11, 3 और 2 5 और 1 6, और 1 और 1 2 261 प्लस 2x बराबर हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई, 4 3 12, 4 5 20, 21, 4 4 2 612, यानी कि 2x बराबर 612 माइनस 261, 2 में से 1 जाएगा 1, 11 में से 6 जाएंगे 5, और 5 में 2 गए 3, 351, x बराबर निकालेंगे 351/2, और ये आ जाएगा 175.5 रुपीज पर केजी। तो आपका कौन सा, पहला ही ऑप्शन यानी कि ए ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहते हैं, एक अयस्क में किसी मिश्र धातु का 25% है, कोई अयस्क है, ठीक है, कोई अयस्क है, तो हम लिख लेते हैं कि अयस्क वो कितना है, एक्स है, क्या लिख लिया, एक्स है, और कहता है उस अयस्क का 25%, कितना, 25%, 25% है जिसमें 90% आयरन है, किसमें, इस 25% में 90% आपका क्या है भाई, आयरन है, 90% आयरन, तो शेष कितना बचेगा, 10%, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। और ये कहता है इसके अतिरिक्त अयस्क के शेष 75% में कोई आयरन, ये मैंने अयस्क माना था, ये क्या माना था, अयस्क माना था, कितना, एक्स, एक्स के 25% 90% क्या आयरन, और शेष जो 75% है अयस्क का उसमें कोई भी आयरन नहीं है। और ये क्या पूछता है आगे कि 60 किलोग्राम शुद्ध आयरन के लिए अयस्क की अपेक्षित मात्रा कितने किलोग्राम होगी। तो देखना आयरन किसमें, एक्स के 25% के 90% में आयरन, यानी कि एक्स का 25%, तो क्या करेंगे, 25/100 इंटू आयरन, इस 25% कितना, 90% इंटू 90/100। अब देखो इससे कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि इसमें आयरन ही नहीं है, इसमें भी आयरन नहीं है, आयरन सिर्फ किसमें, इस एक्स के 25% के 90% में आयरन, उसने आयरन ही पूछा है, और कितने किलोग्राम, 60 किलोग्राम, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल दो। तो देखना ये 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है, 25 से कितने बार, 4 बार कट जाएगा, तो एक्स बराबर करेंगे 60 × 10 × 4, 60 × 10 × 4 बटे कितना आ जाएगा, 9, अब कट जाए तो काट दो भाई,
तीन से कट जाएगा तीन बार, और तीन से कट जाएगा ये 20, 20 दाएँ 200, और 200 का 4 गुणा करेंगे 800/3, 3 का भाग लगा दो भाई, 3 दोनों 6, 2 बचेंगे 20, 3 6 18, 2 बचेंगे 3 6 18, यानी 266.66 आएगा आपके, यानी कि आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, 266.66 आएगा, तो 6 7 लिख सकते हैं इसे, यानी कि बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखना 43, जो 40वां क्वेश्चन था वही वाला यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाएगा, क्वेश्चन नंबर 43, ठीक है। तो क्या है, एक डिब्बे में ए तथा बी में दो तरल पदार्थों का मिश्रण है 7:5, किस किस का, ए और बी का, अब वो दे रखा है आपका 7:5, ठीक है। तो इसे लिख लेते हैं भाई, ए और बी, ध्यान से समझ रहे हैं, ठीक है, ए और बी, और ये दे रखा है 7:5। आगे क्या बोला इसने, यदि उस डिब्बे में से 9 लीटर मिश्रण निकाला, तो मैंने अभी बताया था मिश्रण कितना निकाला इसने, 9 लीटर, और मिश्रण निकालने से अनुपात नहीं बदलता, 9 लीटर मिश्रण क्या कर लिया इसने, निकाला, तो बताना 9 लीटर मिश्रण निकालने से जो रेशो रहेगा वो वही रहेगा जो पहले था, यानी ये नहीं बदलेगा, यानी कि मिश्रण निकालने के बाद भी अनुपात क्या रहेगा, 7:5। अब इसने आगे बोला, निकाल लिया जाए और उसके स्थान पर केवल बी को मिलाया, 9 लीटर मिश्रण निकाला और उसकी जगह सिर्फ क्या मिलाया, बी मिलाया, और उस बी को मिलाने से जो नया रेशियो आया ए और बी का वो हो गया 7:9, कितना हो गया 7:9, क्या मिलाया, बी मिलाया, यानी कि ए में कोई परिवर्तन नहीं, क्या मिलाया, बी मिलाया, तो बी देखना पहले 5 था, अब कितना हो गया 9, तो कितना बढ़ गया ये 4 बढ़ गया। एक चीज़ बताना, ये यहाँ पे इसने बताया कि जितना मिश्रण निकाला है और उतना ही क्या मिला है इसने, बी द्रव भरा है, ठीक है, जितना मिश्रण निकाला था उस मिश्रण की जगह पे द्रव क्या भर दिया, बी भर दिया, तो बताना मिश्रण कितना निकाला था, 9 निकाला था, तो द्रव भी कितना भरा होगा, 9 ही भरा होगा, अगर मिश्रण उसने 9 लीटर निकाला है तो जो बी द्रव जो भरा है वो भी कितना भरा होगा, 9 ही भरा होगा, और यहाँ कितना बढ़ रहा है या भर रहा है, 5 से कितना हो गया 9, यानी कितना भर दिया 4 भर दिया, और क्वेश्चन के अंदर कितना भाई 9 लीटर, ठीक है, ये दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे बराबर, ये समझ आया, क्यों, क्योंकि हमारे रेशियो में एक्चुअल कितना है 9 लीटर, यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल दो कितना आ जाएगा 9/4। क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या है भाई, इसने पूछा तदनुसार ज्ञात कीजिए कि उस डिब्बे में आरंभ में ए की मात्रा कितनी थी, आरंभ में ए की मात्रा कितनी थी, यानी कि 7, तो गलती से आप इस 1 की वैल्यू यहाँ मत रख दें, यहाँ मत रख देना, क्योंकि मैंने जो वैल्यू निकाली वो कहाँ कहाँ से निकाली है, इन दोनों से निकाल दिया, 7:5 और 7:9 से मैंने 1 की वैल्यू निकाली 9/4। यहाँ देखना ये वाली जो क्वांटिटी है मात्रा और ये वाली दोनों क्या होंगी बराबर होंगी, क्योंकि यहाँ पे इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकाला था, इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकालने के बाद ये रेशियो आया था, लेकिन फिर दोबारा से 9 लीटर भर दिया गया क्या बी, यानी कि ये वाली मात्रा और ये वाली मात्रा दोनों आपस में कैसे होंगी बराबर होंगी, यहाँ से निकली 1:9/4, ये मात्रा में पूछूं यहाँ से टोटल मात्रा कितनी होगी 7:9 है, यानी टोटल कितना हो जाएगा 16, और 1 की वैल्यू कितनी 9/4, तो मल्टीप्लाई कर दो 4 6 16 और 9 4 मल्टीप्लाई कर कितना 36, यानी जो तुम्हारी मात्रा थी प्रारंभ में और अंत में कितनी, ये कितनी है 36, ये जो मात्रा 36 है, अगर ये 36 है तो ये भी क्या होगी 36 ही होगी, ध्यान रखना है ये दोनों ऊपर वाली और लास्ट वाली क्या होंगी बराबर होंगी। अब यहाँ से कर दो, यानी कि 7 और 5 कितना 12, और 12 की वैल्यू कितनी बन जाएगी 36, तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लेंगे 7 और 5 12, 12 की वैल्यू कितनी 36, तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल दो, 12 का भाग लगा देंगे कितना आएगा 3। इसने पूछा प्रारंभ ए की मात्रा, तो ए की मात्रा कितनी 7, अब यहाँ रख दो कोई दिक्कत नहीं, ए बराबर 7 × 3 यानी कि 21 लीटर, कितना 21 लीटर। तो ध्यान रखना जितना मिश्रण निकाला जाए और उतना ही कोई दूसरा द्रव भरा जाता है, तो ये वाला और ये वाली दोनों ही मात्रा आपस में क्या होंगी बराबर, तो बताना ये 36 लीटर है, इसमें से 9 निकाल दिया, तो ये जो मात्रा होगी वो कितनी होगी 36 से 9 माइनस कर दें कितना हो जाएगा 27 लीटर, और ये भी कितनी होगी क्योंकि फिर 9 भर दिया, तो ये भी कितना होगा 36 लीटर। तो इस तरीके से आपको भाई ध्यान रखना है इसका जो आंसर आया वो कितना आएगा 21 लीटर आएगा, क्योंकि इसने किसका पूछा था ए का पूछा था, यानी कि आपका सी ऑप्शन होगा, ठीक है। तो अब देखना क्वेश्चन नंबर कौन सा 44वां क्वेश्चन क्या है, एक मिश्र धातु जिंक कॉपर तथा एल्युमिनियम, तीनों को लिख लेते हैं जिंक कॉपर और एल्युमिनियम, ठीक है,
तीनों को जो रेशो दे रखा है वो कितना कितना दे रखा है, जिंक जिंक है ठीक है, कॉपर है, समझ जाओ भाई ठीक है, ऐसे लिख दो शॉर्टकट, और एल्युमिनियम ठीक है, एल्युमिनियम है। क्या का रेशियो है, 2:3:7। इसने बोला है 48 किलोग्राम भार के मिश्र धातु में जिंक तथा एल्युमिनियम के भार का अंतर कितना है, यानी टोटल भार कितना है 48 किलोग्राम, यहाँ कितना 2 और 3 5, 5 और 7 12, और 12 की वैल्यू कितनी 48, यहाँ से 1 की वैल्यू निकालें कितनी आ जाएगी 4। इसने किस किस का पूछा जिंक और एल्युमिनियम के बारे में अंतर, जिंक का कितना 2, एल्युमिनियम कितना 7, बताना दोनों में अंतर कितने का भाई, जिंक और एल्युमिनियम कितने का 5 का, 1 की वैल्यू कितनी निकली 4, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 5 चौके 20 किलोग्राम, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है कि जिंक कितना है और एल्युमिनियम कितना है, तो इसे अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, अलग अलग निकाल के माइनस करोगे तब भी आंसर आपका क्या आएगा, सेम आएगा, यानी कि आपका इसमें हो जाएगा कौन सा, पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखना 45, तो देखो इसमें कई क्वेश्चन सेम है जो अभी बता रहे थे, जैसे 43 था और 43 की तरह तुम्हारा कौन सा है 45 है, तो इसे भी देखना अच्छी तरीके से समझना, अगर 43 में कोई डाउट है तो यहाँ से 45 से क्लियर हो जाएगा 45 से ठीक है। एक वर्तमान में ए तथा बी है, ए तथा बी, और इसमें रेशो दे रखा है 4:1 कितने का, 1 का। अभी कहता है इसमें से 10 लीटर क्या मिश्रण निकाल लिया, इसमें से 10 लीटर मिश्रण निकाल दिया दोनों में से, कितना 10 लीटर, ये लिख दिया 10 लीटर मिश्रण क्या है निकाला है, 10 लीटर मिश्रण निकाला, और तो बताना मिश्रण निकालने के बाद अनुपात क्या रहेगा, यही रहेगा 4:1 ही रहेगा, कितना रहेगा 4:1 ही। अब इसने क्या बोला आगे, उसके स्थान पर उतनी ही मात्रा में द्रव बी मिला दिया, क्या मिला दिया बी मिलाया है, और जिसके वजह से जो रेशियो होगा वो कितना होगा 2:3, कितना होगा 2:3, 10 लीटर मिश्रण निकाला और उसकी जगह पर 10 लीटर क्या मिला दिया बी मिला है, तो उसने पूछा तदनुसार मर्तवान के आरंभिक मिश्रण में द्रव ए की मात्रा कितनी थी। तो अब एक चीज़ यहाँ देखना, पिछला वाला जो क्वेश्चन था 43वां, वहाँ पर ए ऐटोमेटिकली समान हो रहे थे, 7 और 7 दिया था, लेकिन यहाँ दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो ये आपस में बराबर करने पड़ेंगे, क्यों, क्योंकि जो मिलाया है सिर्फ बी मिलाया है, ए में कोई परिवर्तन नहीं किया है, क्या मिलाया है बी मिलाया है, तो जो परिवर्तन होगा बी में होगा और ए में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यहाँ पर ए 4 है, यहाँ पर कितना 2, तो ये बदल गया, तो ये सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा बराबर करना पड़ेगा। 43वां क्वेश्चन था वहाँ पहले से क्या हो रहे थे बराबर हो रहे थे, इसलिए हमने वहाँ पर कुछ नहीं किया था, तो यहाँ क्या करें 2 से मल्टीप्लाई करते और यहाँ भी क्या करते 2 से मल्टीप्लाई, अब ये कितना बन गया 4 और ये कितना बन गया 6, अब कोई दिक्कत नहीं, ये भी 4 ये भी 4, तो देखना पहले कितना था बी 1, अब कितना हो गया 4, तो कितना मिलाया भाई, सॉरी 3 दूनी 6, तो कितना मिलाया 5 मिलाया, ये 1 था ये 6, तो कितना मिलाया 5 मिलाया, इस 5 की वैल्यू कितनी होगी बताना, इस 5 की वैल्यू कितनी होगी 10 लीटर, क्यों, क्योंकि 10 लीटर मिश्रण निकाला था और उसकी जगह पर 10 लीटर मिश्रण 10 लीटर ही क्या भरा था बी भरा था या मिलाया था, तो इस बी यहाँ कितना बढ़ गया 1 से कितना बढ़ा 6 हुआ, यानी कि 5 बढ़ा, इस 5 की वैल्यू 10, यानी 1 की वैल्यू कितनी 2। अब यहाँ से निकालेंगे ये जो मिश्रण है आपका कितना 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, यानी कि टोटल आपका जो मिश्रण ए और बी कितना है 4 और 6 10, कितना 10, और 1 की वैल्यू कितनी 2, यानी कि 10 दूनी 20 लीटर आपका क्या है मिश्रण है ए और बी का दोनों का। तो मैंने बताया था ये मात्रा और ये मात्रा आपकी क्या होंगी दोनों आपस में बराबर, यानी ये 20 लीटर है और ये भी 20 लीटर होगा, तो ये कितना 4 और 1 5, इस 5 की वैल्यू कितनी बनेगी 20, यहाँ से निकाल लेंगे आप 1 की वैल्यू, तो 1 की वैल्यू कितनी निकलेगी 4 लीटर, ठीक है, बस इसी को आपको ध्यान रखना है कि ये और ये दोनों आपस में मात्रा क्या होंगी बराबर होंगी, भले ही रेशियो अलग अलग हैं लेकिन मात्रा बराबर होंगी। ऐसा क्या पूछा, ए की मात्रा पूछ रहा प्रारंभिक में, ए कितना है 4, तो ए निकाल दो, एक की वैल्यू कितनी निकली 4, तो 4 में 4 गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 16 लीटर, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन। अब देखना इसी तरीके से मुझे लग रहा अगला वाला क्वेश्चन भी इसी तरीके से 46वां, उसे भी देख लेते हैं, ए और बी में क्या क्या दे रखा है 7:5 दिया है, इसने कितना दिया 7:5, कोई दिक्कत नहीं, देखो भाई ए और बी कितना दिया 7:5। अब इसने बोला उस घोल में से 9 लीटर निकालने के बाद उतना ही द्रव बी भरा, यहाँ से 9 लीटर निकाल लिया, 9 लीटर क्या है निकाला भाई, और बताना मिश्रण निकालने के बाद रेशो तो यही रहेगा 7:5।
अब इसने उसकी जगह क्या भर दिया, बी भर दिया। नया रेशो क्या हो जाता है, 1:1। तो क्या भरा, बी भरा, यानी कि ए में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो बताना ए यहाँ पर 7 है, ए का तो ये भी क्या करने पड़ेंगे, बराबर करने पड़ेंगे। तो बताना यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 7 बन जाए, यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 7 × 7 और ये भी क्या हो जाएगा, 7 × 7, यानी ये 7:7 हो जाएगा। ठीक है, 1:1 था, यहाँ मैंने 7 का क्या कर दिया, गुणा कर दिया दोनों जगह। यहाँ देखना ए में अब कोई परिवर्तन नहीं, ठीक है, यानी कि पहले तुम्हारा बी था 5, बाद में कितना हुआ, 7। ये किसकी वजह से 7 हुआ, यानी ये 2 जो बढ़ा किसकी वजह से बढ़ा, 9 लीटर मिश्रण निकाला था और उसकी जगह 9 लीटर क्या भरा था, बी भर दिया था। यानी कि इस 2 की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 9 बन जाएगी। तो 1 की वैल्यू कितनी, 9/2। तो देखना ये तुम्हारा टोटल मिश्रण कितना, 14, 7 और 7 14। तो यहाँ से निकाल लेंगे कुल मात्रा कितनी, 7 और 7 14, 14 में इस 1 की वैल्यू 9/2 निकली, इसका मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 7 = 14, यानी कि 9 × 7 = 63 लीटर। किसकी निकली, इसकी, यानी मैंने क्या बताया था, ये मात्रा और ये मात्रा दोनों आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो ये मात्रा 63 हो तो ये भी क्या होगी, 63, यानी कि 7 और 5 = 12। इस 12 की जो वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी, 63 लीटर। यहाँ से हम निकाल लेंगे, लीटर में ही दिया ना ये, हाँ लीटर में दिया। तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लो भाई, यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, 63/12। इसने पूछा प्रारंभिक में ए की मात्रा कितनी, तो प्रारंभ कितना था, ए 7। अब 1 की वैल्यू जो निकली है, ये 7 मल्टीप्लाई कर दो, 63/12 कट जाएंगे, कितने से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा 21 बार, और 3 से कट जाएगा 4 बार, यानी कि 21 में 7 गुणा करेंगे, ये आएगा 147/4। 4 का भाग लगा दो, 4 × 3 = 12, ठीक है ना, हाँ ठीक है, 4 × 3 = 12 के 2 बचेंगे, 27, ठीक है, और कितने हो जाएंगे, 4 × 3 = 12, 2 × 4 = 24, 36 सही 3/4%, 36 सही 3/4%, यानी कि आपका कौन सा, सॉरी प्रतिशत क्यों, लीटर है ना, सॉरी कितना हो जाएगा, 36 सही 3/4, यानी कि डी ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक है, लीटर है प्रतिशत, सॉरी गलती से लिख गया, यानी कि डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। अब इसी तरीके से देखना आप क्वेश्चन नंबर 17। तो भाई अब तो आपका जो है ये डाउट जो है क्लियर हो गया होगा, अब यहाँ पे आपको डाउट नहीं होना चाहिए। और आपको अगर कहीं से और एक दो क्वेश्चन इस तरीके का मिल जाता है तो वहाँ से इस तरीके से एक आध दो क्वेश्चन और कर लेना, ठीक है। देखो भाई प्रैक्टिस ही है, ठीक है, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, ऐसे याद नहीं रहेगा। अब देखना क्वेश्चन नंबर 47 क्या दिया है इसने, 40 लीटर मिश्रण में एल्कोहल जल का अनुपात है 5:3, 8 लीटर मिश्रण निकाल कर उसकी जगह डाल दिया गया, ठीक है, तब परिणाम मिश्रण में एल्कोहल जल का अनुपात। तो 40 लीटर मिश्रण है, ठीक है, और इसका जो अनुपात है वो कितना है, 5:3। अब इसमें से 8 लीटर मिश्रण निकाला, तो बताना 8 लीटर अगर इसमें से मिश्रण निकाल दूंगा तो कितना हो जाएगा, 32। लेकिन मिश्रण निकालना तो बताना क्या अनुपात बदलेगा, अनुपात नहीं बदलेगा, यानी कि अनुपात कितना रहेगा, 5:3 ही रहेगा, अनुपात नहीं बदलेगा। मैंने बताया मिश्रण में से मिश्रण निकालते अनुपात नहीं बदलता, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान रखना आपको, यानी कि 32 लीटर में भी जो रेशो होगा वो क्या होगा, 5:3, यानी कि यहाँ से करें 5 और 3 = 8, यहाँ से 8 की वैल्यू कितनी बनेगी, 32, 1 की वैल्यू कितनी बनेगी, 4, 8 का भाग दे देंगे तो यहाँ से, और ये रेशो किस किस का दे रखा है इसमें, एल्कोहल और जल है, ये एल्कोहल है और ये जल यानी कि वाटर। तो यहाँ से बताना इस 32 लीटर में एल्कोहल कितना और जल कितना, एल्कोहल कितना हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × 5 = 20 और 4 × 3 = 12, ठीक है, निकला है 1 की वैल्यू 4 निकली, तो एल्कोहल कितना 5 और वाटर कितना 3 है, तो 4 × 5 = 20 और 4 × 3 = 12। यहाँ से हमें निकला है कि इस 32 लीटर में 20 लीटर तुम्हारा एल्कोहल है और 12 लीटर क्या है, जल है। अब आगे कहता है 8 लीटर मिश्रण निकाल कर उसकी जगह जल डाल दिया, 8 लीटर मिश्रण निकाला और उसकी जगह 8 लीटर क्या डाल दिया, जल डाल दिया, पानी कितना था 12 बचा, अब इसमें 8 लीटर और डाल दिया तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा ये, और ये 20 ये है ही, इसमें कोई परिवर्तन हुआ है, हुआ नहीं है, तो इन दोनों का रेशो निकाल दो भाई, एल्कोहल और जल का, यानी कि 20:20 और ये कट जाएंगे, यानी कि 1:1, ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, बी। अब देखना क्वेश्चन नंबर 48 यानी कि 48 क्या कहता है, अम्ल और जल के 3 नमूनों में उनका अनुपात दे रखा है 2:1, लिख लेते हैं इसे भी, ठीक है भाई,
कितना कितना है? 2:1। उसके बाद दिया इसने 3:2, फिर दिया इसने 5:3। अब ये कहता है उन तीनों नमूनों को बराबर मात्रा में पिघला है। इन तीनों नमूनों को मैंने मान लिया ए बी और सी, और ए बी सी की तीनों की क्या करा बराबर मात्रा, तो देखना क्या बराबर मात्रा है। 2 और 1 3, 3 और 2 कितना हो जाएगा ये 5, और 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। क्या ये तीनों का तीनों बराबर है? नहीं बराबर, पर क्वेश्चन के अंदर बोला कि तीनों की बराबर मात्रा में पिघलाकर एक मिश्रण बनाया था, तदनुसार उस मिश्रण में अम्ल तथा जल का अनुपात कितना होगा। तो इन्हें आपको क्या करना है, पहले तीनों को क्या करना बराबर करना है। तो तीनों को बराबर कैसे करेंगे भाई, देखना कैसे करेंगे। एक तरीका तुम्हारा क्या है, 3 और 5 और 8 का क्या ले लो, एलसीएम ले लो, यानी कि 8 × 5 = 40, 40 + 120, यानी कि सबको क्या बना दो, 120 120 बना दो। 8 × 5 = 40, 40 + 120, यानी कि इन तीनों को क्या बना लो, 120। 120 बनाने के लिए यहाँ कितने से मल्टीप्लाई कर दूँ, 40 से। इसे 120 बनाने के लिए यहाँ कितने से मल्टीप्लाई कर दूँ, 24 से। और इसे 120 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई कर दूँ, 15 से। देखना 15 × 120, 24 × 5 = 120, 40 + 120, तीनों कैसे को बराबर हो गए। अगर आपने 40 का यहाँ किया है तो 40 का आपको यहाँ भी करना पड़ेगा, और 40 का आपको यहाँ भी करना पड़ेगा, यानी कि अगर 24 से यहाँ किया है तो 24 आपको यहाँ भी करना पड़ेगा, और 24 आपको यहाँ भी करना पड़ेगा। अगर आपने 15 का यहाँ किया है तो 15 से आपको यहाँ भी करना पड़ेगा, और 15 से यहाँ। इस रेशो को मैं अलग लिख लेता हूँ, ये नया जो रेशो बनेगा वो कितना बनेगा। तो देखना 40 × 2 कितना हो जाएगा, 80, और ये कितना होगा, 40 × 1 = 40, 80 / 40 बन गया। अभी ये कितना बनेगा, 24 का मल्टीप्लाई किया तो 3 × 24 हम करेंगे, ये हो जाएगा 72 / 2, ये कितना हो जाएगा, 24 × 2 = 48। इसी तरीके से यहाँ से देखना 15 × 5 किया कितना, 75 / 2, ये कितना हो जाएगा, 15 × 3 = 45। अब ये बराबर मात्रा है, ठीक है, कितनी कितनी, 120 120, सबको जोड़ देना। इसे जोड़ोगे तब भी 120 आएगा, इसे जोड़ोगे तब भी 120 आएगा, इसे जोड़ोगे तब भी कितना आएगा, 120। अब इन तीनों को मिला दो भाई, तो देखना ये आपस में जुड़ जाएंगे, 5 और 2 = 7, 7 और 7 = 14, 14 और 8 कितना हो जाएगा, 22। ऐसे जोड़ दो, 8 और 5 = 13, और 4 + 3 = 12 और 1 = 13, यानी कि 227 / 133। अगर ये कट सकते हैं तो काट दो, वरना फिर ऐसा ही छोड़ दो, यानी कि आपका कौन सा, यानी कि बी ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 49। 49वां क्वेश्चन क्या है भाई, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। दूध और पानी का एक मिश्रण ऐसा है जिसमें दूध पानी का 3/5 भाग है। तो इसी तरीके से लिखेंगे भाई, इसने जो बोला है वो इसी तरीके से लिखेंगे, हमारा जो दूध है वो पानी का 3/5 भाग है। आगे इसने पूछा है तदनुसार उस पूरे मिश्रण में दूध का भाग कितना है। तो देखना यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि दूध बटे पानी का रेशो निकाल सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, 3/5, पानी का इधर भाग लगा दिया तो इधर क्या बचेगा, 3/5। यहाँ से यानी कि दूध कितना 3, पानी कितना 5, यानी तुम्हारा जो मिल्क और वाटर जो आया कितना आया, 3:5। इसने क्या पूछा है भाई क्वेश्चन में, इसने पूछा है दूध का भाग कितना है, तो मिल्क कौन सा तुम्हारा, दूध कौन सा, 3, यानी कि तुम्हारा 3 है, और 3 किस में से, मिश्रण कितना, 3 और 5 = 8, यानी कि 8 में से 3 भाग किसका है, दूध का। अगर यहीं पूछता जल का, तो जल कितना तुम्हारा 5 है, और 5 और 3 कितना 8, यानी 5/8 भाग क्या है तुम्हारा, जल है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है, दूध पूछा है, तो कौन सा आंसर होगा आपका, 3/8 भाग, यानी कि पहला ही ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने जो मिश्रण चैप्टर को जो तुम्हारा था, इसमें कितने क्वेश्चन थे, 49 क्वेश्चन हमने जो कंप्लीट कर लिए। अगर दोस्तों आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो वीडियो को भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, अपने दोस्तों को पहुँचाओ। भाई आपसे मैं बार बार कहता हूँ भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों से भी इसे करवाइए भाई, चैनल को बहुत ज़्यादा भाई इसको जो सपोर्ट करिए। और इसके बाद हम चैप्टर पढ़ेंगे अगला, कौन सा, औसत वाला, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।